एनसीसी भर्ती क्विज 13 20 प्रश्न 10 मिनट किस में कितना है दम। तो सुबह के 9 बज चुके हैं और डेली आपका इसी टाइम पर टेस्ट होता है। एक क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 15 सेकंड का समय मिलता है और टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं एक टेस्ट में। तो जो लोग फर्स्ट टाइम तेजस चैनल पे, आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सभी को जय हिंद। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, जालियांवाला बाग की हिंसक घटना कब हुई? ऑप्शन है 1919 में, बी 1923 में, सी 1921 में या फिर डी 1924 में। टाइम शुरू हो चुका है तो सभी लोग फटाफट आंसर बताएं। जालियांवाला बाग की हिंसक घटना कब हुई, मतलब समय पूछ रहा। ऑप्शन आपके सामने है और आपकी लाइव क्लास 2 टाइम डेली चलती है, सुबह में 7:30 बजे से और शाम 8 बजे। तो आप लोग दोनों टाइम क्लास कंटिन्यू और क्विज टेस्ट। चलिए फास्ट टाइम अप। तो जालियांवाला बाग की हिंसक घटना 1919 में हुई थी, यानी ऑप्शन ए वाले सही है, 1919। सेकेंड क्वेश्चन, COAS का पूरा नाम बताओ। ऑप्शन ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, सी चीफ ऑफ आर्मी सपोर्ट या फिर डी नन। टाइम शुरू हो चुका है, मतलब COAS का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन आपके सामने है और PDF बहुत जल्द आपके अवेलेबल हो जाएगा, जो कि पेड कोर्स होगा, ठीक है, और बेस्ट PDF होगा। चलिए जल्दी सब लोग आंसर बताएं। टाइम अप। तो COAS का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो जो लोग लिखे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, यानी ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया। यदि 7 किताबों का मूल्य 210 रुपया है तो 2 किताबों का मूल्य कितना होगा? ऑप्शन है 70 रुपया, बी 80 रुपया, सी 60 या फिर डी 90 रुपया। टाइम शुरू हो चुका है और सभी लोग जल्दी से इसको सॉल्व करें। सबसे पहले आप एक किताब का मूल्य निकालेंगे तो 210 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 0 30, तो 2 किताब का कितना होगा? चलिए फटाफट सभी लोग बताएं और 2 सेकंड बचा है। चलिए टाइम ऑफ। तो 2 किताबों का मूल्य होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 60 रुपया, तो सी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा कौन सा तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन है हीरा, बी सोना, सी पारा या फिर डी चांदी। टाइम शुरू हो चुका है, चलिए सभी लोग जल्दी से बताएं। ऐसा कौन सा तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है और 15 सेकंड ही मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए, तो फटाफट सभी लोग जल्दी। चलिए टाइम ऑफ। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पारा यानी मरकरी, तो सी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, MLA का फुल फॉर्म लिखो। ऑप्शन ए मास्टर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, बी मेंबर ऑफ द लॉन्ग असेंबली, सी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव अवार्ड या फिर डी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। टाइम शुरू हो चुका है, MLA का फुल फॉर्म बताइएगा। MLA होते हैं ना नेता लोग, तो उनका फुल फॉर्म। और जो लोग भी टेस्ट देते हैं, आप लोग टेस्ट पूरा दीजिए 20 क्वेश्चन का, लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही है, मतलब 20 में आप कितना सही कर रहे हैं, 20 में 20 होना चाहिए। चलिए टाइम अप। तो MLA का फुल फॉर्म होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वाले सही है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन है बेंगलुरु को, बी कोलकाता को, सी देहरादून को या फिर डी जयपुर को। टाइम शुरू हो चुका है, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? और आपको टेस्ट पूरा इसलिए देना है क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके न्यू भर्ती के पूछे गए ओरिजिनल क्वेश्चन से, जो कि केवल और केवल आपको तेजस चैनल पर ही मिलेंगे। चलिए फास्ट टाइम अप। तो भारत का पेरिस, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी जयपुर सिटी को बोलते हैं, तो डी वाले सही है। नेक्स्ट अभी ध्यान दें, मैथमेटिकल अलजेब्रिक फार्मूला पूछा है और 2 दिन पहले भी एग्जाम में पूछा है, a-b का होल स्क्वायर को हल करें, मतलब इक्वल टू क्या होता है? ऑप्शन है a² + b² + 2ab, ऑप्शन बी a² - b² + 2ab, ऑप्शन सी a² + b² - 2ab या फिर डी a² - b² - 2ab। टाइम शुरू हो चुका है, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? सभी लोग जल्दी से बताइएगा। और बहुत ही सिंपल है, इजी है फॉर्मूला और ये इस बार भी पूछा है। और 1 सेकेंड, चलो टाइम आओ। तो a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² - 2ab, तो ऑप्शन सी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, बहुत इजी है, 120 का 30% कितना होगा? ऑप्शन है 46,
बी 56, सी 36 या फिर डी 26। टाइम शुरू हो चुका है, तो बहुत ईजी है। 120 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 30%, यानी 30/100। तो सॉल्व कर लीजिए, 10 से 10 बच गया 12 × 3, तो कितना होगा सभी लोग जल्दी से बताएं। और 2 सेकंड टाइम बचा है, चलिए टाइम आउट। तो 120 का 30% 36 यानी 36 होगा, तो ऑप्शन सी वाले सही है, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 अगस्त को, बी 26 जनवरी को, सी 28 अगस्त को, या फिर डी 29 अगस्त को। टाइम शुरू हो चुका है। खेल दिवस यानी स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सभी लोग जल्दी से बताइएगा। अभी थोड़े दिन पहले अभी तो मनाए थे हम लोगों ने, तो आपको याद होगा। चलिए जल्दी टाइम अप। तो खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त यानी 29 अगस्त को मनाते हैं, ऑप्शन डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 10, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी महात्मा गांधी ने, या फिर डी भगत सिंह ने। टाइम शुरू हो चुका है। डू एंड डाई स्लोगन किस व्यक्ति का है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे, बहुत ईजी है, फेमस नारा है ये सब, और आपके एग्जाम में पूछा है। और 5 सेकेंड फटाफट सभी लोग बताएं, और टेस्ट पूरा दीजिएगा, ठीक है, 20 क्वेश्चन का टाइम अप। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, तो सी वाले से ही महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, NDRF का फुल फॉर्म लिखे। ऑप्शन है नेचुरल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, बी नॉन डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, सी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, या फिर डी नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स। टाइम शुरू हो चुका है। ये NDRF आपको पता है ना क्या होती है? ये आपदाओं के टाइम में या फिर मुश्किल के टाइम में ये लोगों का बचाव यानी सुरक्षा करती है, मतलब डिजास्टर के टाइम डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है। चलिए जल्दी फास्ट टाइम अप। तो NDRF का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, तो सी वाले सही है। बाकी लोग पढ़ के आए। क्वेश्चन नंबर 12, दुनिया भर में ड्रग संकट से कौन सा आयु वर्ग काफी हद तक प्रभावित है? ऑप्शन है 35 से 40 वर्ष, बी 20 से 24 साल, सी 45 से 50 वर्ष, या फिर डी 60 से 64 वर्ष। टाइम शुरू हो चुका है। टाइम आपका इधर बगल में चल रहा है राइट साइड में, तो आप लोग लिमिट टाइम में आंसर बताएंगे, मतलब बस 15 सेकंड का टाइम आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा, इससे एक्स्ट्रा नहीं। चलिए जल्दी, मतलब 20 क्वेश्चन और 10 मिनट में पूरा एकदम। चलिए फास्ट टाइम अप। तो दुनिया भर में ड्रग संकट से 60 से 64 वर्ष के लोग प्रभावित है, ठीक है, तो डी वाले सही, 60 to 64 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 13, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए मंडूक के उपनिषद से, बी ऋग्वेद से, सी नाट्य शास्त्र से, या फिर डी सामवेद से। टाइम शुरू हो चुका है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सभी लोग जल्दी से बताइएगा। अगर पढ़े होंगे तो इजी है, और क्लास आपकी कंटिन्यू चलती है रेगुलर 2 टाइम, ताकि आप कोई क्वेश्चन भूले नहीं, सुबह में 7:30 बजे और शाम में 8 बजे, तो कंटिन्यू क्लास, ठीक है, सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। टाइम अप हो गया। तो सत्यमेव जयते मंडूक के उपनिषद से लिया गया है, तो ऑप्शन ए वाले सही है, मंडूक के उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 14, आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, क्वेश्चन इंग्लिश में ही पूछा है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज? ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बी स्पीकर ऑफ लोकसभा, सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर नन ऑफ द अबव। टाइम शुरू हो चुका है। चलिए जल्दी, मतलब पूछ रहा है कि तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, हिंदी इसका ये होगा, तो जिनकी इंग्लिश वीक है, आप इसमें फंस जाएंगे, तो आपका इंग्लिश भी आना चाहिए, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आप इंग्लिश भी पढ़ते रहेंगे। चलिए जल्दी, और 2 सेकंड बचा है टाइम अप। तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर यानी सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति होते हैं भारत के, तो सी वाले से ही राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? ऑप्शन है ठोस, बी तरल, सी गैस, या फिर डी प्लाज्मा। टाइम शुरू हो चुका है। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? साइंस का क्वेश्चन आ गया, आंसर सभी को सारे क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, ठीक है, टोटल मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया ओरिजिनल 1500 के आसपास है, आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। चलिए टाइम आप। तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है, ऑप्शन डी वाले से ही प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, CAT कैट का फुल फॉर्म लिखो। ऑप्शन है सेंट्रल एडमिशन टेस्ट, बी कॉमन एडमिशन टेस्ट, सी कॉमन ऑडिशन टेस्ट, या फिर डी कॉमन एडमिशन ट्रैक। टाइम शुरू हो चुका है।
सीएटी कैट मतलब बिल्ली होती है ना, बट ये बिल्ली नहीं है, उसका फुल फॉर्म बताना है, कैट का फुल फॉर्म। ये एक तरह का एग्जाम होता है, ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग बताएं, इजी है, अगर पढ़े हो तो बहुत इजी है। चलिए फास्ट टाइम अप। तो सीएटी कैट का फुल फॉर्म होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट, ऑप्शन बी वाले सी कॉमन एडमिशन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 8^4 / 8^3 को हल करें। ऑप्शन 8^2, बी 8^5, सी 8^4 या फिर डी 8^1। टाइम शुरू हो चुका है, तो चलिए जल्दी सभी लोग बताएं फास्ट जल्दी। फास्ट चलिए टाइम अप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वाले सही है, 8^1, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ऑप्शन है 7 अप्रैल, बी 7 मई, सी अप्रैल 1 या फिर डी मई 1। टाइम शुरू हो चुका है, तो चलिए जल्दी सभी लोग फास्ट बिना किसी देरी के, गुड जोश। चलिए टाइम अप। तो वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस का पूछ रहा है इंग्लिश में, तो ऑप्शन ए वाले सही है, 7 अप्रैल को मनाते हैं, तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी। ऑप्शन ए विजयालक्ष्मी पंडित, बी शीला दीक्षित, सी सरोजनी नायडू या फिर डी नॉन ऑफ दीज। टाइम शुरू हो चुका है, मतलब हु वाज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब स्वतंत्र भारत की, जब हमारा देश आजाद हुआ तब भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी। चलिए जल्दी टाइम अप। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, तो ऑप्शन सी वाले सही, सरोजिनी नायडू। लास्ट क्वेश्चन है आज का, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए अकबर ने, बी शाहजहां ने, सी बाबर ने या फिर डी यहाँ पे सम्राट है, ठीक है, सम्राट अशोक ने। तो सभी लोग जल्दी से आंसर बताएं, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। इजी है, अगर पढ़े होंगे तो बहुत इजी है, ये बच्चा बच्चा लोग जानता है। तो लास्ट क्वेश्चन है, चलिए जल्दी, गुड जोश, अभी तो सब लोग सही हो, चलिए टाइम अप। तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने कराया था, यानी ऑप्शन बी वाले से ही शाहजहां। तो अभी सब लोग कमेंट करके डेली बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ, विनर कौन है, 20 में 20 जिनका सही होगा वही होंगे विनर, बाकी लोग कितना सही आप कमेंट कर देंगे, ठीक है। और कल नेक्स्ट क्विज टेस्ट 14 होगा, तो आप लोग मॉडल पेपर्स पढ़ते रहो, क्लास दोनों टाइम सुबह में 7:30 बजे से और शाम में 8 बजे से, ठीक है, कंटिन्यू क्लास कीजिएगा, ठीक है। फिर अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।